हाय गाइस, आज मैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 1 को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक एलियन और ह्यूमन लव स्टोरी ड्रामा है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसके एपिसोड 1 को। एपिसोड की शुरुआत में हम एक तेज रोशनी को पृथ्वी की तरफ आते हुए देखते हैं। उसी समय हम मिस्टर फैंग को देखते हैं जो कि अपनी कार से कहीं जा रहा था। तभी उसी रोशनी को देखने के चक्कर में उसका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। वो किसी तरह अपने गाड़ी से बाहर निकलता है, पर वो बहुत ही ज्यादा घायल था और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी एक रोशनी के साथ एक लड़की आती हुई दिखती है जिसने कुछ नहीं पहना था। ये एक एलियन थी जिसका नाम साउची था। वो पास में पड़े एक कपड़े को पहन लेती है और सीधा मिस्टर फैंग के पास जाती है। वो उसके बॉडी से अट्रैक्ट होकर उसे छूने लगती है, पर वो खुद को कंट्रोल करती है और मिस्टर फैंग को बचाने के लिए अपनी पावर्स लगाती है। पर तभी पीछे खड़ी फैंग की गाड़ी में आग लग जाता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे बचने के लिए साउची अपनी पावर्स का यूज करती है, पर उसे चोट लग जाता है जिससे उसका कुछ नीला खून मिस्टर फैंग के हाथ में आकर गिरता है और साथ ही साउची का सूचना यंत्र भी गिर जाता है और खुद साउची पानी में जा गिरती है। इसके बाद हम मिस्टर फैंग को उसके घर पर सही सलामत देखते हैं, जहां डॉक्टर आकर मिस्टर फैंग को चेक करते हैं और बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। और ये करिश्मे की बात है क्योंकि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद उसे कुछ खरोंच तक नहीं आया है। इसके बाद सीन एक आदमी की तरफ जाता है जो कि व्हीलचेयर पर बैठकर मछलियां पकड़ रहा था, पर तभी उसी पानी से साउची बाहर निकलती है और अपने माथे को चारों तरफ घुमा देती है। ये देख वो आदमी बहुत ही डर जाता है और सीधा वहां से भाग जाता है। साउची उसी व्हीलचेयर पर जाकर बैठ जाती है और तभी उसे कछुआ दिखता है। ये कछुआ बताता है कि वो उसका सेक्रेटरी स्यूगो है जिसे कछुए ने खा लिया है और इसलिए अब वो कछुए के अंदर रह कर के वो उससे बात करेगा। स्यूगो साउची को बताता है कि उनका स्पेसशिप जा चुका है और वो दोनों इस पृथ्वी पर फंस चुके हैं। ये सुन के साउची कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सूचना यंत्र से तुरंत अपने प्लैनेट में ये बात पहुंचा देंगे। पर साउची देखती है कि उसका सूचना यंत्र था ही नहीं। उसे लगता है कि जिसने उसे बचाया है शायद उसी के पास उसका सूचना यंत्र होगा, यानी कि मिस्टर फैंग के पास। वहीं इधर हम मिस्टर फैंग को देखते हैं जो कि ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि उसकी सारी एक्स गर्लफ्रेंड उसके ऑफिस पहुंच गई है और उसे अभी ऑफिस नहीं जाना चाहिए। पर मिस्टर फैंग कहता है कि वो तो ऑफिस जाएगा। ऑफिस में हम देखते हैं कि उसके बहुत सारी एक्स गर्लफ्रेंड वेडिंग का ड्रेस पहन के आ गई थी और उन्होंने वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया था मिस्टर फैंग से शादी करने के लिए। वहां फैंग पहुंचता है और वो एक एक करके सारी लड़कियों को बुलाता है और उन लड़कियों को जो जो चीज चाहिए था वो उन सभी को वो चीज दे देता है, जिसके बाद वो सारी ब्राइड्स वहां से खुशी खुशी चली जाती है। वहीं इधर साउची एक बेंच पे बैठकर मिस्टर फैंग का ड्राइंग कर रही थी, पर उसे उसका चेहरा ठीक से याद ही नहीं था। उसे याद था तो सिर्फ उसका बॉडी। जिसके बाद साउची स्योबो के साथ एक मॉल में पहुंच जाती है और वहीं से मिस्टर फैंग को खोजने का डिसाइड करती है। वहां बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े लगे थे, तो साउची अपने पावर से उन सभी कपड़ों को ट्राई कर रही थी। तभी उसे एक वेडिंग ड्रेस दिखती है तो वो उसे पहनने का सोचती है। स्योबो साउची को ऐसा करने से रोकता है, पर साउची उसके सुनते ही नहीं और वो वेडिंग ड्रेस को पहन लेती है। तभी उस मॉल का सेक्रेटरी गार्ड साउची को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, तो वो उस मॉल से बाहर आ जाती है। पर बाहर गाड़ियों की आवाज सुनकर साउची को बहुत ही डर लगने लगता है और वो घबरा कर रोड पर बैठ जाती है और अपने पावर से समय को वहीं पर रोक देती है। साउची के सामने मिस्टर फैंग की गाड़ियां को रुकती है। सभी चीजें तो थम चुकी थी पर ये फैंग पर काम नहीं करता। फैंग को बहुत ही अजीब लग रहा था। साउची खड़ी होती है और वो सेक्रेटरी गार्ड को बाय करते हुए वहां से चली जाती है। फैंग सीधा अपने डॉक्टर के पास पहुंचता है, जहां हमें उनकी बातों से पता चलता है कि फैंग को एक बीमारी है। जब कभी बारिश होती है तो फैंग अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को भूल जाता है। यहाँ फैंग डॉक्टर को एक और चीज बताता है कि शायद उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। उसे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया थम चुकी है, तो डॉक्टर कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है। वहीं इधर साउची एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचती है जहाँ एक पिक्चर लगी हुई थी और ये उसके ड्राइंग से मैच कर रही थी, तो वो अंदर आ जाती है जहाँ बहुत सारे लड़कों के हार्मोन से साउची अट्रैक्ट हो जाती है
और वो उनके साथ डांस करने लगती है, साथ ही ड्रिंक भी करती है। पर तभी उनमें से एक लड़के से स्यूबू पर ड्रिंक कर जाती है, जिससे स्यूबू इनएक्टिव हो जाता है। ये देख साउशी बहुत ही घबरा जाती है। तभी उसे एक म्यूजिक सुनाई देता है, ये ली था जो कि म्यूजिक प्ले कर रहा था। साउशी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसे लगता है कि ये शायद वही लड़का है जिसे उसने बचाया था। तभी ली को एक कॉल आता है तो वो सीधा बाथरूम में आ जाता है। ये कॉल फैंग का था जो कि उसका भाई है। यहाँ ली झूठ बोलता है कि वो तो कमरे में बैठकर ड्राइंग कर रहा है और वो अब सोने जा रहा है। पर जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो सामने फैंग का सेक्रेटरी था जो कि ली को पकड़ कर वहां से ले जाता है। ये देख साउची उसके पीछे जाते हैं, पर तभी रेस्टोरेंट की ओनर साउची को रोक देती है और बिल दिखाती है कि उसका इतना ज्यादा बिल हुआ है, तो जब तक वो उसे पे नहीं करेगी वो नहीं जा सकती। साउची नशे में थी और वो ये कहते हुए कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके अगले सुबह हम साउची को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में सो रही थी। वहीं उस रेस्टोरेंट के ओनर मिस शाई साउची के अपीयरेंस को देख के सोच रही थी कि शायद ये बहुत ही अमीर घर की लड़की है तो वो उससे अच्छे खासे पैसे ले लेगी। पर जब साउची उठती है और मिस शाई से पैसे मांगते हैं तो साउची कहती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है और अमीर ये क्या होता है उसे तो पता ही नहीं है। साउची वहां से जाने लगती है। ये देख मिस शाई रोने लग जाती है, ये कहते हुए कि उसने कल के पार्टी में कितने ज्यादा पैसे लगाए, अब उसे ये पैसे कौन देगा। मिस शाई को ऐसा रोता देख साउची वापस आ जाती है और वो उससे चुप कराते हुए कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी काम करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस शाई साउची को डिलीवरी का काम दे देती है और उसे बताती है कि उसे ये काम बहुत ही अच्छे से करना होगा। साउची बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो सामान लेकर डिलीवरी देने के लिए निकल जाती है। पर रास्ते में उसे रोड क्रॉस करना था और चूंकि उसे बहुत ही डर लगता है तो वो टेलीपोर्ट होकर वहां से गायब हो जाती है और उसे ऐसा करते देख फैंग देख लेता है। पर फिर से उसे ये हेलुसिनेशन लगता है तो वो उसे इग्नोर करता है। वहीं साउची सामान लेकर एक होटल में पहुंच जाती है, पर गेट के बाहर दो सेक्रेटरी गार्ड उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। तभी अंदर से फैंगली बाहर आता है और वो साउची को अंदर ले लेता है और बताता है कि एक बिजनेसमैन ने आर्ट बनाने के लिए उसे यहाँ पर कैद करके रखा है तो उसे उसकी मदद करनी होगी। साउची पहले से ही फैंगली की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट थी तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फैंगली साउची के कपड़े पहनकर बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ फैंग आ जाता है पर फैंगली उससे बचकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही मिस्टर फैंग कमरे के अंदर आता है तो वहां पर साउची फैंगली का कपड़े पहनकर ड्राइंग करने का एक्टिंग कर रही थी। पर बहुत कुछ कहने के बाद भी दूसरे साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं आता तो फैंग सामने जाकर उसके टोपी को हटाता है और देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर साउची थी। साउची फैंग से कहती है कि वो उसके जैसे बुरे नहीं है, जो किसी आर्टिस्ट को बंद करके रखे तो वो उससे बिल्कुल दूर हो जाए। फैंग साउची से फैंगली के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गया है, पर साउची कुछ नहीं बताती और टेलीपोर्ट होकर वहां से भागने की कोशिश करती है। पर फैंग उसके माथे पर हाथ रख देता है जिससे वो वहां से जा ही नहीं पाती। तभी वहां फैंग का सेक्रेटरी कुछ गार्ड्स के साथ आ जाता है। फैंग साउची से कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं करेगा, बस वो उसे फैंगली का पता बता दे कि वो कहाँ गया है। पर साउची उसे चकमा देकर वहां से भाग जाती है। फैंग टेबल पर पड़े खाने को देखता है और कार्ड को, जिससे वह जान जाता है कि साउची एक रेस्टोरेंट में काम करती है। वहीं इधर साउची जब रेस्टोरेंट में आती है तो देखती है कि फैंगली ने उसके कपड़े वहां वापस ला दिए थे और साथ ही एक कार्ड दिया था जहाँ आज रात वो उससे मिलने वाला था। साउची वापस से डिलीवरी के लिए काम पर लग जाती है और शाम में जब वो वापस आती है रेस्टोरेंट तो देखती है कि पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली था और वहां पर सिर्फ फैंग था, जिसे देख वो घबरा जाती है और रेस्टोरेंट से बाहर जाने की कोशिश करती है। पर मिस शाई साउची को रोक देती है और कहती है कि ये बहुत ही बड़ा कस्टमर है तो उसे जाकर सर्विस देनी ही होगी। वो अंदर आती है और उसे मेन्यू दिखाती है। फैंग साउची को परेशान करने के लिए कहता है कि उसे सारा का सारा चाहिए जो कुछ भी मेन्यू में लिखा हुआ है, वहां पर कोई भी सेफ नहीं था। तो फैंग कहता है कि उसे ही सारा खाना बनाना होगा और खाने के बाद वो उसे
फैली के पास ले जाएगी। साउची को ना चाहते हुए भी फैंग के लिए खाना बनाने जाना पड़ता है। उसे आता तो था नहीं, तो वो शिवबो से मदद मांगती है, पर जब से वाइन गिरा था शिवबो इनएक्टिव हो गया था। तो साउची अपने मन से वहाँ कुछ कुछ डाल के खाना बनाती है, पर तभी वहाँ पर आग लग जाती है। फैंग ये देख कर वहाँ आ जाता है और वो अपनी शर्ट खोलकर उस आग को किसी तरह बुझा लेता है। पर इधर साउची उसके हार्मोन से अट्रैक्ट हो जाती है, जैसे कि उसे नशा हो गया हो। इसी बीच उसे समझ आ जाता है कि ये वही इंसान है जिसे उसने बचाया था उस एक्सीडेंट में, और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड 1 पसंद आया होगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सेकेंड एपिसोड देख पाए। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।